पटना जंक्शन अचानक ही सुर्खियों में आ गया है। दरअसल इस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर लगे टीवी स्क्रीन पर एक अश्लील वीडियो क्लिप चल गई थी। करीब 3 मिनट तक चले इस क्लिप को लेकर महकमे में हड़कंप मच गया। तुरंत इस मामले में जांच शुरू की गई। यही नहीं, अब कार्रवाई भी की जा रही है। बता दें, पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी यानी CPRO ने कहा है कि इस केस में 2 FIR दर्ज कराई गई है। यही नहीं, उस स्क्रीन पर विज्ञापन प्रसारित करने वाली एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर दिया गया है। बता दें, ECR की ओर से जारी बयान में बताया गया कि एजेंसी का ठेका समाप्त कर उसे ब्लैक लिस्ट में डालने की कार्रवाई की जा रही है। यही नहीं, उसकी ओर से संचालित सभी टीवी स्क्रीन को डिस्कनेक्ट और लॉग आउट कर दिया गया है। पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म से क्या 10 पे जो शर्मनाक घटना हुई उसको संज्ञान लेते हुए रेलवे तुरंत ही उस एजेंसी का टेंडर रद्द कर दिया है तथा उसे ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई चल रही है। साथ ही साथ RPF और GRP ने 2 FIR दर्ज किए हैं और उस पर विस्तृत जांच चल रही है। घटना की जांच RPF और GRP की ओर से की जा रही है जिससे आगे कानूनी कार्रवाई की जा सके। बता दें, ये पूरी घटना पटना जंक्शन के भीड़भाड़ वाले प्लेटफॉर्म पर उस समय हुई जब काफी लोग वहां मौजूद थे। रेलवे के अनाउंसमेंट टीवी स्क्रीन पर अश्लील वीडियो क्लिप चलने से वहां मौजूद लोगों को अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा। ट्रेन में सवार होने या अपने रिश्तेदारों को लेने के लिए पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रही महिलाओं समेत सैकड़ों यात्रियों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्लिप कैसे चल गई। अश्लील क्लिप करीब 3 मिनट तक डिस्प्ले पर रही, फिर यात्रियों की शिकायत के बाद इसे रोका गया। फिलहाल खबर समाप्त। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और साथ साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। पटना जंक्शन का 10 नंबर प्लेटफॉर्म है, वीडियो चालू है।